हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। खीर बनाने के लिए मैंने इसमें ले लिया है एक कटोरी, आधी कटोरी चावल को, और काजू को, किशमिश को, बादाम को, और सूखा नारियल, ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, और मैंने चीनी और लिया है मैंने मखाने को। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है आप यही वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जो आपको पसंद हो, वो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करिए, जो आपको पसंद नहीं हो उसको स्किप कर दीजिए। सो गाइस, मैंने चावल को अच्छे से वॉश करके इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है, ताकि हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हमें इसको कट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको कट कर लेती हूँ। एक बार इसको जरूर ट्राई करना, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी खीर बनाने की रेसिपी को। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने गैस पर चढ़ा लिया है, और पैन आपको ऐसा लेना है जिसका तला भारी हो, ताकि हमारी खीर जले ना। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 लीटर दूध को ऐड कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी को, क्योंकि हमारी खीर अच्छे कुछ देर के लिए बननी चाहिए ताकि वो टेस्टी बने, इसीलिए कुछ टाइम बनानी है हमें, इसी के लिए मैं पानी भी ऐड करूँगी इसमें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है, जो मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी। सो गाइस, अब हम दूध में उबाल आने का वेट करेंगे, और दूध में जब हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम पे कर रखा था अभी तो गैस को। अब हमारे दूध अच्छे से उबल गया है, और इसको अच्छे से, ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से उबल रहा है। अब मैं इसमें चावल को ऐड करूँगी, ये चावल मैंने जो भिगो कर रखे थे वही हैं, अब इसी को हमें दूध में ऐड कर देना है। ये देखिए, मैंने अब चावल को भी दूध में ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दिया है, ताकि चावल नीचे से जले ना। सो इसको बीच बीच में 1 से 2 मिनट के बीच बीच में इसको चलाते जाना है, और अच्छे से इसको बनाते रहना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लिया है, ये मैंने बादाम को कट किया है, और ये मैंने सूखे नारियल को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और ये मैंने काजू को भी कट कर लिया है, और मैंने किशमिश को कम ही क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम ही लिया है, अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने अब दूध को चलाना स्टार्ट कर दिया है, दूध के ऊपर बार बार जो मलाई आती जा रही है, उसको हमें इसमें ही मिक्स करते जाना है, ताकि हमारा दूध अच्छे से पक जाए, और चावल भी अच्छे से कुक हो जाए इसी के साथ साथ। ये देखिए, इसको बनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और अभी हमारे चावल दूध के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं रहे हैं। जब तक ये अच्छे से घुल मिल ना जाएं, तब तक हमें इसको ऐसे ही बनाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसको ढक देना है, आधा ही ढकना है, ताकि दूध ना निकल जाए, और इसको बीच बीच में चलाते जाना है। ये देखिए, अच्छे से मैं चलाते जा रही हूँ बीच बीच में। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की बारी आ गई है, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको दिखाए थे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारी खीर अच्छे से बनने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, होप करती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जब हम चावल को भिगो कर रख देते हैं तो उसके बाद हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और मीडियम फ्लेम पर अब बन रही है हमारी खीर। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बनकर रेडी होगी, ये देखना फ्रेंड्स आप, और एक बार ट्राई जरूर करना। और इसको ढक दिया है मैंने कुछ टाइम के लिए, फिर से देखा है हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी को, अब इसमें चीनी ऐड करने की बारी आ गई है। ये देख सकते हैं चावल हमारे दूध के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, मैंने चीनी को ऐड भी कर दिया है इसके साथ, और इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है, फिर उसके बाद हमारी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है, इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दिया है मैंने। ये देखिए एक बार फिर से चला रही हूँ मैं, 1 से 2 मिनट तक हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, इसको सर्व करने की बारी आ गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी खीर। मैंने गैस को बंद भी कर दिया है,
और मैंने सर्व भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। ये 3 से 4 लोगों के लिए खीर बिल्कुल पर्याप्त है और मैंने इसको डेकोरेट भी कर दिया है ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर। और आप अब इसको टेस्ट करके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।